माय बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो तो उसे हम क्या बॉडी किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है. अब हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की. ठीक है. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता तो देन बॉडी से टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम दो तरीके का हो सकता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या फिर कंप्लीट इक्विलिब्रियम. कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों जीरो होगा. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क जीरो होगा जो हम रोटेशन में पढ़ेंगे. ठीक है. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या डील करेंगे, हम यहाँ डील करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. सर बोलो सर एक बार फिर से बताइए, मेरे ज्वाइन करने का थोड़ा लेट हो गया. लिखा हुआ है अभी, जस्ट यही से स्टार्ट करना है जो हेडिंग लिखा हाँ हुआ है ना. सर लिखा लिया सर. तो अभी हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. नेट फोर्स जो काम कर रहा है बॉडी पे यानी एफ नेट क्या है तुम्हारा, जीरो है. नेट फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे जीरो है इसका मतलब ये है कि उसका एक्सेलेरेशन जो है दैट इज ए इज इक्वल टू जीरो. एक्सेलेरेशन जीरो. ठीक है. तो अगर बॉडी रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा. मीन्स सो v रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जो भी तुम्हारा वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट रहेगा. तो कोई भी बॉडी अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कोई भी बॉडी क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या रुका हुआ है रेस्ट में है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बिकॉज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. ठीक है. और ये सारी चीजें हम कहां से देख रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से. क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओगे तो बिना फोर्स के भी एक्सेलेरेशन होता है, बिना फोर्स के भी तुमको एक्सेलेरेशन दिखने लगेगा. ये जो डेफिनेशन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का ये कहां से दिया गया है, दिस इज गिवन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम एक तरीके का और इक्विलिब्रियम होता है जो हम कहां बात करेंगे, रोटेशनल में. तो लिख लो यहीं पे, जस्ट मैं वहां पे याद दिला दूंगा कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा. रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे नहीं, ये हम पढ़ेंगे कहां पे, रोटेशन चैप्टर जब स्टार्ट होगा. नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी acting on the body is zero. Torque का symbol कुछ इस तरीके से होता है, tonnet zero. Tonnet zero कहने का मतलब होता है alpha zero. That is alpha zero. और alpha zero कहने का मतलब होता है omega constant. तो अगर कोई भी body rotate कर रहा है कैसा, constant एंगुलर स्पीड से. ठीक है ना, कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड या कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अल्फा जीरो है. और अगर अल्फा जीरो यानी नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो का मतलब यह है कि बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. हो गया. इस चैप्टर में हम मेन जो डील करेंगे वो क्या होगा, वो होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में. सर ये दो टाइप का इक्विलिब्रियम होते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम.
हो गया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स नेट फोर्स जीरो होगा, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क जीरो होगा, और अगर दोनों जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है नेट टॉर्क भी जीरो है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या फिर कंप्लीट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब अगर कोई जस्ट तुमसे इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, कोई आके बोले कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स भी जीरो है नेट टॉर्क भी जीरो है। अगर बोल रहा है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो इसका मतलब यह है कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और अगर बोल रहा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो इसका मतलब यह है कि बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, पढ़ा दे इसको। हाँ सर, डायग्राम ड्रॉ करना। हाँ, इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ a BD of both mass सबसे पहले तो ABD draw करना आना चाहिए, दूसरा ratio of, या ऐसे लिख लो सीधे, capital M by small m if system is in equilibrium। ग्राउंड पे रखा हुआ है ये जो बॉडी है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, पुली और स्ट्रिंग के हेल्प से कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया। तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है, एबीडी ड्रॉ करना, दूसरा काम क्या है एम बाई एम का, कैपिटल एम बाई स्मॉल एम का रेशियो बताना है जब सिस्टम क्या हो इक्विलिब्रियम में। और अगर इस चैप्टर में तुमको इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो हम ध्यान में रखेंगे कि इट इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ड्रॉ कर लिया सबने, हाँ सर, हटा दे इसको। चलो समझते हैं, सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्मॉल एम का, एबीडी ऑफ एम। तो हमारा काम क्या होता है, इसको डी अटैच करके इधर लिखना, डी अटैच कर दिया, फिर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा दैट इज एम जी, दोनों डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज वेट फोर्स जिसको हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज एम जी। अब दूसरा फोर्स क्या लगेगा ड्यू टू दिस कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, दूसरा फोर्स क्या लगेगा, यहाँ पे स्मॉल एम कैपिटल एम के साथ कॉन्टेक्ट में है और कॉन्टेक्ट पे जो नॉर्मल होगा उसके अलोंग लगेगा नॉर्मल फोर्स। तो ये तुम्हारा नॉर्मल है, इधर की तरफ इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दैट इज एन वन, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज वॉट एन वन जो ऊपर की तरफ लग रहा है। और कोई फोर्स है इस पे टेंशन है, ठीक है, ये रस्सी लगा हुआ है तो इस रस्सी को काटोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, ये रस्सी इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है,
यानी इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज टी, ठीक है। और कुछ, ये तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, क्लियर है। और कुछ बात नहीं करते सर, हैं, और कुछ है नहीं तो बता दो, नहीं है ना। नहीं सर, आओ हम बात करेंगे कौन से ब्लॉक का, इस वाले ब्लॉक का, ठीक है ना। ये जो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है इसकी बात करेंगे। तो अगर इसकी बात करोगे तो इस पे लगने वाले सारे फोर्स हम देखेंगे। इस पे लगने वाला फोर्स अगर एबीडी ऑफ कैपिटल एम, अगेन एबीडी अगर कैपिटल एम का ड्रॉ करते हो तो इस पे सबसे पहला फोर्स हम क्या दिखाते हैं, एमजी दिखाते हैं, सॉरी कैपिटल एमजी। ये तुम्हारा कैपिटल एमजी है, ठीक है। और इस ग्राउंड के साथ वो कांटेक्ट में है, ये ग्राउंड उसको किधर धक्का देगा, ऊपर की तरफ। तो एक और फोर्स दिखा सकते हैं, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एन टू। और एक्शन रिएक्शन पेयर के चलते ये ब्लॉक इसको इस पे फोर्स लगाएगा, जो स्मॉल एम है इस पे फोर्स लगाएगा, यानी ये एन वन अपोजिट डायरेक्शन में इस पे लग रहा होगा, यानी ये किधर और फोर्स लगेगा, दैट इज व्हाट एन वन, क्लियर है। बोलो और कोई फोर्स है, टेंशन, टेंशन लग रहा है तो इसको काट दो, इसको यहाँ काट दो और इसको यहाँ काट दो, ठीक है। तो इसको काटोगे तो इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी और इधर टेंशन टी, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये जो पुली है ना वो इसी ब्लॉक पे अटैच्ड है। ये जो पुली है वो कहाँ पे अटैच्ड है, ये इसी ब्लॉक पे अटैच्ड है, ब्लॉक पे। तो अब जो टेंशन दिखेगा उस टेंशन को भी लिख लो, ये टेंशन टी, टी और इधर टी। अरे बात समझ में, तो इस पर लगने वाला जो टेंशन फोर्स है इसको इधर ही ड्रॉ कर दो ताकि बड़ा थोड़ा दिखेगा। ये लिख लियो ना, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। हाँ सर, हाँ सर, इसको हटा दे रहे हैं। इस पे लगने वाला जो फोर्स है, वो दो टेंशन भी इस पर ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, क्या क्या सर, वो दो टेंशन भी इस पर ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? पुली इस ब्लॉक का पार्ट है। हाँ, अगर ये पुली इस ब्लॉक का पार्ट है तो ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर ये वो पुली इस ब्लॉक का पार्ट नहीं होता तो फिर नहीं ड्रॉ करते, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ड्रॉ करे कि नहीं करे, तो ड्रॉ करने के लिए हमें चेक करना होता है कि क्या वो पुली इस ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर तुमको कंफ्यूज हो रहा है, समझो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता और ऐसे रस्सी घूम के जाता तो यहाँ पे तुम टेंशन शो करते कि नहीं करते। अगर मान लो ये ब्लॉक इस तरीके का होता और यहाँ पे मैं एक ऐसा पुली लगा देता और इस पुली से फिर ऐसे रस्सी घूम के गया रहा था, तो इसमें लगने वाला तुम टेंशन शो करते, क्योंकि इवेंचुअली ये जो टेंशन है ये कहाँ लगता, हाँ, इस पे लगता। तो सिमिलरली हम देखेंगे कि क्या ये पुली इस ब्लॉक का पार्ट है, अगर वो पुली इस ब्लॉक का पार्ट है तो टेंशन शो करेंगे, क्लियर है। वो बच्चों से मिस्टेक हो जाता है, वो छूट जाता है। तो ये तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम है, इधर नीचे एम जी मैंने ड्रॉ करा था, ऊपर की तरफ एन टू ड्रॉ करा था और इस डायरेक्शन में एन वन ड्रॉ करा था। और कुछ बचा इस पे, और कुछ है, और कुछ है तो बोल दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं है, हो गया। अब चलो समझते हैं, अब क्या है बॉडी। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि बॉडी जो है वो किसमें है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन में तुमने देखा होगा तो लिखा क्या हुआ है कि बॉडी जो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है, जो भी सिस्टम कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, कहने का मतलब यह है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच बॉडी शुड बी व्हाट, जीरो। सिस्टम अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो उसके कहने का मतलब है उस सिस्टम में जितनी भी बॉडीज है उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये मास m था और स्मॉल m के लिए मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। स्मॉल m कुछ इस तरीके का था, जिसमें नीचे mg, इधर की तरफ n1 और इधर की तरफ टेंशन t, ठीक है। तो यहाँ पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। इन सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स होना चाहिए, इस पे नेट फोर्स और इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या ना, सारे फोर्सेस को हम ब्रेक करेंगे इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो भी फोर्सेस हमारे पास है हम ब्रेक किस में कर देंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, या फिर इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि इस एमजी को इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ब्रेक कर सकते हो,
इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे, ये एंगल तुमको दिया हुआ था थीटा, जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल से एंगल था, ये एंगल तुमको दिया हुआ थीटा। तो इस mg का कंपोनेंट लोगे तो इधर कितना आएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। जब ये एंगल दिया रहता है तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग mg का कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन कंपोनेंट आता है। sin तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर आ जाएगा तुम्हारा mg mg cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा। अब इस डायग्राम को देख के तुम्हारे दिमाग में आ, n1 जो है दिस इज इक्वल टू mg cos थीटा। n1 किसके बराबर होना चाहिए, mg cos थीटा के बराबर। तभी क्या करेगा ये, इसको काउंटर बैलेंस करेगा और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इन इन दिस डायरेक्शन। अब बात करते हैं टेंशन टी, टी जो होगा इट विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अगर टेंशन साइन थीटा के बराबर हो जाए, टेंशन क्या हो जाए साइन थीटा के बराबर हो जाए, तो टेंशन इसको इधर खींच रहा है, एम जी इसको इधर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे। तो नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन अगर जीरो हो गया, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक करो अगेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे और इस टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है ना, इस फोर्स के और इस टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। उसी को सॉल्व करोगे काम बन जाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये एन, ये जो एन है इसको ब्रेक करोगे किधर किधर, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ठीक है। तो अब उसके लिए सबसे पहले तुमको एंगल पता करना है, ध्यान से देख लो पहले एंगल क्या होगा नॉर्मल का। ये थीटा था तुम्हारा और ये एन वन था। अब इस एन वन को ब्रेक करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इस एन वन को ब्रेक करना है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब उसके लिए तुमको या तो ये एंगल पता होना चाहिए या फिर ये एंगल पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जैसे इस n को ब्रेक करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो तुमको ये एंगल में से कोई एक एंगल पता होना चाहिए किसके टर्म में, इसके टर्म में, क्योंकि यही तुमको गिवन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ट्राइंगल का यूज करेंगे और पता कर लेंगे। अब समझो क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा ट्राइंगल था जिसमें ये थीटा दिया हुआ था एंड ये नॉर्मल रिएक्शन था जो कि यहाँ पे ये कितने का एंगल बना रहा था 90 डिग्री, यही तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन था एन वन, है कि नहीं, क्लियर। इस n1 को इधर ब्रेक करना है और इधर ब्रेक करना है, तो हमारा काम क्या था, मैंने बोला कि ये दोनों एंगल में से कोई एंगल निकाल लो। तो इधर देखोगे अगर ये थीटा है और ये 90 है तो दिस विल बी हाउ मच, 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये तुम्हारा थीटा होगा, सारी बात समझ में, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और यहाँ क्या मिलेगा तुमको, यहाँ थीटा मिलेगा, यानी वर्टिकल से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितने का एंगल बनाएगा, थीटा का एंगल बनाएगा। इधर जल्दी बोल दो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ये थीटा कैसे आया, सबको समझ में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, इधर वाले को मिटा रहा हूँ, ये हो गया तो बताओ इसको हटाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर। ये जो ब्लॉक था, ये एंगल थीटा था, इस पे नॉर्मल रिएक्शन N2 ऐसा लग रहा है, N2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, N2 मैं इधर का ही लिख दे रहा हूँ। अब इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इतना क्लियर है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा आया ना। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है इससे ये एंगल, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, अगर इस लाइन का देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है उसको एक लाइन काटती है, इंटरसेक्ट, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है अगर इन दोनों को, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता होता, हाँ सर, समझ रहे हो। तो अब वर्टिकल के साथ एंगल देखे हुए तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा, समझ गया, जल्दी बोलो। हाँ सर, इसको
हटा दे रहा, यानी अब क्या होगा ना, ये जो तुम्हारा एंगल है दिस एंगल इज थीटा, सो अब कंपोनेंट आराम से ब्रेक हो जाएगा, इधर आएगा एन वन साइन थीटा और इधर आएगा एन वन कॉस थीटा। तूने एन वन को तुमने क्या कर लिया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ब्रेक कर दिया। अब चलते हैं टेंशन टी के पास, क्योंकि टी को भी ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। टी को ब्रेक करोगे, टी का इस टी का दो कंपोनेंट मिलेगा किधर किधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसको भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो समझो आप कैसे ब्रेक करेंगे, ये टेंशन टी था तुम्हारा, टेंशन टी है और ये एंगल थीटा, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी टेंशन इस टी का इधर एक कंपोनेंट आएगा विच विल बी टी कॉस थीटा और नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आएगा विच विल बी टी साइन थीटा। समझ में आया टेंशन को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो सवाल है ना, ये बहुत सारा कंपोनेंट ले रहा है, तुमको अगर ऐसा कोई सवाल आ रहा है, अब एक बार कंपोनेंट लेना इस प्रॉब्लम में सीख गए ना, तो बाकी किसी भी प्रॉब्लम में तुम कंपोनेंट लेकर के किसी भी फोर्स का ब्रेक करके उसको इक्विलिब्रियम में अगर दिया होगा सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने जानबूझ करके या जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है थीटा एंगल के साथ वो सब ले लिया, टेंशन का भी ले लिया है, मास का भी ले लिया और नॉर्मल का भी ले लिया। यही तीनों फोर्स होंगे तुम्हारे पास, टेंशन नॉर्मल और एमजी, जिसके कंपोनेंट लेने पड़ते हैं हमें अपने अनुसार फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ टेंशन का भी कंपोनेंट लेना है जो मैंने सिखा दिया, नॉर्मल का भी म्यूट कर लो, नॉर्मल का भी कंपोनेंट लेना है वो भी मैंने बता दिया, और मास का कंपोनेंट लेना है तो पहले ही बता दिया कि वेट का कंपोनेंट कैसे लेते हैं। तो ये टेंशन का दो कंपोनेंट इधर की तरफ टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ टी साइन थीटा। समझ में आ गया, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये तुम्हारा इधर की तरफ टेंशन टी था, तो इधर t cos थीटा और इधर t sin थीटा, ठीक है ना। अब क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर नीचे की तरफ देखोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर नीचे की तरफ देखोगे तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, mg mg n1 cos थीटा प्लस t sin थीटा प्लस t sin थीटा। ये किसके बराबर होगा, n2 के, जीरो के, ये नहीं जीरो नहीं, n2 के बराबर, n2 लग रहा है ना, हाँ ये n2 के बराबर होगा। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ा ध्यान से देखिए, t प्लस n1 sin थीटा, t एक t दो t, ठीक है, वन टू यानी टू टी, ठीक, और इधर की तरफ प्लस एन वन साइन थीटा, ठीक है ना। ये सारे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ, और इसका एन साइन थीटा कंपोनेंट, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाट, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन, ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन, इसके पहले हमें इक्वेशन मिला था दो और जो हमने पहले सॉल्व करा था, वहां से दो इक्वेशन मिला था पिछले वाले फ्री बॉडी डायग्राम से। और ये सारी चीजें क्या है, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये कहां से आया, फ्री बॉडी डायग्राम से। अगर तुमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने नहीं आएगा तो फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। और एक बार इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बनने से हमें पता चलता है किस डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस लग रही हैं और कौन से फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। अब वही नॉर्मल का कंपोनेंट लेना या फिर टेंशन का कंपोनेंट लेना और मास का कंपोनेंट, ये वेट का कंपोनेंट लेना, एक ही क्वेश्चन में तुमको सिखा दिए। तो इसके आगे जो भी प्रॉब्लम होने हैं वो तुम आराम से कर सकते हो, जैसे एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, हाँ लिखना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो मैं पहले ही बनवा चुका हूँ, ऐसा एक फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ड्रॉ करने को बोला था। अगर ये मास 10 केजी है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एक ब्लॉक है मान लो 5 केजी का, इंक्लाइन ब्लॉक है,
तुम्हें कैलकुलेट क्या करना, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन नंबर वन स्फीयर एंड इंक्लाइन प्लेन, नंबर टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन स्फीयर एंड बॉल, स्फीयर एंड बॉल। इस स्फेयर पे ये कितने का नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है और ये वॉल कितने का नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा लिख सकते हो। नीचे ये हर क्वेश्चन में लिखा रहेगा जो भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होगा, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। लिख लियो ना, हटा दे इसको। हाँ सर। चलो तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो इसका पहले ही सिखा दूंगा। ये तुम्हारा स्फीयर है, इस पे नीचे इसका वेट लगेगा और वेट 10 इंटू कुछ मेंशन नहीं किया, 9.8 यूज करेंगे, 9.8। अगर सवाल में बोल देता 10 यूज करो तो 10 करते, तो ये नीचे एक लगेगा। साथ ही साथ ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है तो इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, लेट इट बी N1। ये कितना हो गया, N1 है। और नेक्स्ट ये इस वॉल के साथ कॉन्टेक्ट में है तो इधर एक फोर्स लगेगा N2। क्लियर है? अब तुम्हें पता करना है ये N1 जो है ये इंक्लाइन प्लेन पे है, तो यहाँ पे तुम्हें पता करना है कि N1 हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कितने का एंगल बना रहा होगा। मतलब या तो तुम ये एंगल पता कर सकते हो या तो तुम ये एंगल पता कर सकते हो। तो तुमको करना क्या होगा, तुमको इसको ब्रेक करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। अब तुम पता करो ये एंगल या ये एंगल 30 के साथ कितना रिलेशन का बना, 30 के साथ क्या रिलेशन बना रहा है। अगर इंक्लाइन के साथ एंगल दिया था तो मैंने बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन कितने का एंगल बनाएगा विथ वर्टिकल। कितने का एंगल बनेगा बताओ, ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 30 या 60? 30 अलग लोगों को बता रहा है, कोई 30 बोल रहा है कोई 60 बोल रहा है, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? देखो कभी भी कंफ्यूजन हो नॉर्मल ड्रॉ कर दो यहाँ पे, है ना। कभी भी कंफ्यूजन हो तो क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये 30 तो ये कितना होगा, 60 है कि नहीं? और ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये अगर नॉर्मल है एक पैरेलल लाइन खींच दो, इसके पैरेलल लाइन खींच दो, तो अगर ये 60 है तो ये तुम्हारा कितना होगा, 60 होगा। हाँ सर। कि नहीं? अगर ये 60 है तो ये 60 होगा और इसके सामने वाला अपोजिट वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 है कि नहीं? तुमने अगर ये हॉरिजॉन्टल से पता कर लिया कि ये लाइन कितने का एंगल बना रहा है, ध्यान से सुन लो, अगर तुमने क्या पता करा हॉरिजॉन्टल से ये इंक्लाइंड नॉर्मल जो है ये कितने का एंगल बना रहा है वो तुमने पता कर लिया 60। तो तुमको करना क्या है कि इस पॉइंट पे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल डाल दो, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही हॉरिजॉन्टल डालोगे दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी पैरेलल, तो तुम्हारे पास होता है अल्टरनेट एंगल एंड अपोजिट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल से दिस 60 इज इक्वल टू दिस 60 है कि नहीं? ये तुम्हारा 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और अगर ये 60 तो ये भी 60, ठीक है। ये सारी चीजें मैथ्स में पढ़ाई जाती है, जब दो पैरेलल लाइन दिया हुआ उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो तो किस एंगल पे करेगा, वहां पे किस किस एंगल का रिलेशन बनता है,
अल्टरनेट एंगल, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल, ये सारी चीजें, ठीक है ना। यानी ये जो तुम्हारा एंगल होगा, दिस विल बी हाउ मच, 60 डिग्री। क्लियर है, एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब इसी में बच्चे कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, एंगल ही नहीं निकल पाता है, और एंगल नहीं निकल पाता है फिर इक्वेशन नहीं बन पाएगा। तो एंगल निकालने का भाई मैट्रिक बता रहा हूँ, क्या करो, नॉर्मल रिएक्शन कहीं भी दिया उसको पूरा नीचे खींच के आके हॉरिजॉन्टल से कट करवा दो, और कट करवाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कितने का एंगल बनेगा, ठीक है। अब देखो इस ये जो क्वेश्चन है इसको तुम या तो कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करके सॉल्व कर लो, नहीं तो फिर रिलेशन से सॉल्व कर लो। मैंने लैमीज़ थ्योरम तुमको पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में, कि अगर किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे होंगे, किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लैमीज़ इक्वेशन यूज कर सकते हैं, याद है? हाँ सर, ठीक है ना। तो या तो इसको ब्रेक कर लो एन वन को, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वहां से इक्वेट करोगे तो भी हो जाएगा, और नहीं तो क्या करना है, लैमीज़ यूज कर लो, लैमीज़ भी सेम काम करेगा। तो अगर इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हो तो इधर होगा एन वन साइन 60 डिग्री, और इधर होगा एन वन कॉस 60 डिग्री। अब इसको ब्रेक करोगे तो इधर क्या आएगा, एन वन साइन 60 डिग्री कितना होता है बोलो, टू इज इक्वल टू कितना होगा, 98 के बराबर होगा। यहां से तुम n1 निकालोगे इजीली। अब इस n1 को उठा करके यहां से जो इक्वेशन आएगा n2 is equal to n1 cos 60 कितना होता है, हाफ, तो n1 by 2 है तुम्हारा। तो जैसे ही अगर तुमने n1 निकाला, n2 निकल गया, जो भी n1 निकलेगा उसका आधा करोगे। सर इसको सर वो सर लैमीज इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लैमीज से करोगे तो लैमीज में क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे होते हैं, जैसे इसको तो फिर तो 5 केजी का कोई मतलब ही नहीं रहा देने का। हाँ हाँ, तो जरूरी थोड़े कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसका यूज करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इधर तुम्हारा 98 है और इधर n1 था, इधर n2 था, ये एंगल कितने का बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये एंगल 60 है तो ये टोटल एंगल जो यहाँ पे बनेगा इट विल बी 150 डिग्री, यानी 98 और n1 में कितने का एंगल बना, 150 का, और इधर जो एंगल बनेगा इट विल बी 120 डिग्री। तो लैमीज क्या बोलता है, लैमीज बोलता है कि 98 बाई साइन 120 बराबर होगा n1 बाई साइन 90 बराबर होगा n2 बाई n2 के सामने कौन सा एंगल है, 150 साइन 150। सॉरी, यहां से तुम इन दोनों का रिलेशन लोगे तो n1 पता चल जाएगा, इसका और इसके साथ रिलेशन लोगे n2 पता चल जाएगा। ठीक है, लैमीज़ इक्वेशन यूज करने के लिए जो भी फोर्सेस लग रहे हैं एक पॉइंट पे उनके बीच का एंगल निकालना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ निकाला n2 और 90 के बीच, 98 के बीच में एंगल कितना है, 90 है, n1 और 98 के बीच में 150 है, n1 और n2 के बीच में 120 है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है। इसके सामने जो एंगल है 120 नीचे साइन के साथ आएगा, n1 के सामने जो एंगल है 90 है वो उसके साथ नीचे आएगा, और n2 के सामने जो एंगल है वो नीचे आएगा। हो गया सर, ये सर तो तीन फोर्स के लिए कर सकते हैं। हाँ, लैमीज़ इक्वेशन के साथ साथ यही एक दिक्कत है, अगर तीन से ज्यादा फोर्सेस हो गए तो फिर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। वो बताया भी था मैंने जब लैमीज़ इक्वेशन पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में, तो बोला भी था कि वो कब यूज करेंगे, वो तभी यूज करेंगे जब एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे होंगे, तीन से कम के लिए भी नहीं, ज्यादा के लिए भी नहीं करना है। लैमीज़ ओनली थ्री फोर्सेस के लिए भी ही यूज होता है, बाकी और चार फोर्स पांच फोर्स के लिए फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट में ब्रेक करके फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नहीं तीन है तो लैमीज यूज करो। हो गया, आगे बढ़े। चलो फिगर्स वाले और भी प्रॉब्लम करेंगे, एक स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम करते हैं फिर फिगर वाला करेंगे। हटा दे इसको, लिखना एक प्रॉब्लम लिखो, अ बॉडी हुज मास इज 6 केजी
ये 11th वालों के लिए, जो जस्ट 10th से 11th में आए हैं उनके लिए छोटा सा बच्चे वाला सवाल. अ बॉडी हुज मास इज 6 केजी, अ बॉडी हुज मास इज 6 केजी, अ बॉडी हुज मास इज 6 केजी इज एक्टेड अपॉन, अ बॉडी हुज मास इज 6 केजी इज एक्टेड अपॉन, is acted upon by two forces, is acted upon by two forces, 10J plus 8I Newton, is acted upon by two forces, 10J plus 8I Newton and 4I plus 8J Newton. Then find magnitude of acceleration. Then find magnitude of acceleration of the body. Then find magnitude of acceleration of the body. हो गया सवाल, लिख लिया. सिंपल सा है, सबसे होना चाहिए ये, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. अगर एफ नेट कैलकुलेट करते हो, एफ नेट कितना होगा इस बॉडी पे, नेट फोर्स ऑन दी बॉडी कितना, दोनों को जोड़ दे, दोनों को जोड़ेंगे, एफ वन प्लस एफ टू, ये फोर्स, ये फोर्स, आई को आई के साथ जोड़ेंगे तो दिस विल बी 12 आई, जे को जे के साथ जोड़ेंगे, सर आंसर होगा 3.605 अरे रुको चलो, ये एफ नेट आया ठीक है, और एफ नेट किसके बराबर होता है, एंड एफ नेट इज इक्वल टू, तुमने पढ़ा है सेकंड लॉ में कि ये होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन के बराबर, यानी अगर एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करोगे ए, तो दिस विल बी एफ नेट बाय एम. एफ नेट तुमने कैलकुलेट कर लिया, मास कितना दिया हुआ, मास इज गिवन, मास कितना दिया होता है 6 kg, तो अगर 6 kg से ये होगा 2i प्लस 3j होगा, हाँ, ए नेट तुम्हारा कितना हो गया 2i plus 3j, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 30. अब तुम लोगों ने पता ना क्या क्या करा था, वो मेरी समझ से बाहर है, रूट के अंदर वो 400-500 जो बोल रहे थे वो कहाँ से आ रहा था. तुमने क्या करा है, इसका मैग्नीट्यूड निकाला है फिर उधर से कैलकुलेट कर, ज्यादा ही मेहनत कर दी हो, चलो कोई ना, आंसर कितना होगा रूट, वो तुमने बाकी जो रूट वाला कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर से किया था. कैलकुलेटर यूज नहीं करना होता, नीट की तैयारी कर रहे हो ना या जेईई मेंस की, क्या की तैयारी कर रहे हो, मेंस, मेंस की कर रहे हो, तो मेंस वाले कैलकुलेटर देते हैं क्या आजकल, देने लगे नहीं, हाँ क्योंकि हमारे टाइम में तो नहीं देते थे, नहीं देते हैं, उतना भी अच्छा नहीं है वो लोग,
अच्छा नहीं, क्या क्या मतलब है, कैलकुलेटर का क्या ही जरूरत है, अब इसके लिए तुमको कैलकुलेटर चाहिए, इसके लिए क्या ही कैलकुलेटर यूज करोगे तुम, रूट 13 इतना आसानी से तो आ रहा है। अब ये है कि तुम उसको कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हो, तो उसमें एग्जाम वाले की क्या दिक्कत है, वो तो ऐसा क्वेश्चन देता है जो बच्चे कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा करके आसानी से, लेकिन बच्चे कुछ ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, जैसे तुमने यहाँ करा है 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, इसका रूट फिर डिवाइडेड बाई 6 करा है तुमने, ऐसा करा है ना, और तब इसको लिखा है, यही कर रहे हो। कोई ना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे, ठीक है आ जाएगा धीरे धीरे, करते करते हो जाता है। चलो एक और सवाल लिखना, A car of mass 1000 kg, a car of mass 1000 kg is moving with a speed of a car of mass 1000 kg is moving with a speed of 18 kilometer per hour. is stopped by a brake force of 1000 newton. Full stop. Find distance covered by the block. Sorry, distance covered by the car. Find the distance covered by the car before it comes to rest.12.5 meter per second. 12.5 मीटर पर सेकंड क्यों बोल रहे हो, मीटर डिस्टेंस ही तो पता करना है, 12.5 मीटर। सॉरी सर, सॉरी। चलो देखो क्या हो रहा है ना, जो पहले हमने पढ़ा था ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो इसका पिछला वाला हमारा चैप्टर था वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, तुमको ए निकालना पड़ेगा, जो कि एक्सेलरेशन है, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, निकालना है, क्योंकि तुम्हें क्या क्या दे दिया, फाइनल स्पीड दे दिया, इनिशियल स्पीड दे दिया, ठीक है, और तुम्हें निकालना है एस, अगर एस निकालना है तो किसी तरीके से ए मिल जाए, आराम से कैलकुलेट कर सकते, आया ना, ठीक है ना, तो ये जीरो है तुम्हारा, पहले ए कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड तुम्हें पता है ए क्या होता है, एफ नेट बाई एम, एफ नेट बाई एम, नेट फोर्स कितना लग रहा है, और ध्यान से देखना ब्रेक लग रहा है, नेट फोर्स जो है वो क्या है, ब्रेक के फॉर्म है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी का, जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगता है, तब जाके गाड़ी रुकती है, ऐसा नहीं है ना कि ब्रेक उधर ही लगा देंगे, ब्रेक लगाने क्या मतलब है कि जो जिधर गाड़ी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो, यानी एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, इट विल बी माइनस, यही लगा दो तो एफ नेट कितना है 1000, मास कितना है 1000, यानी एक्सेलेरेशन जो होगा इट विल बी नेगेटिव 1 meter per second, माइनस क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक रिटार्डेशन है, ब्रेक लगाने के चलते क्या होता है, रिटार्डेशन होता है,
वो यूज कर लो। यू जो दिया हुआ है, यू के लिए एक बार ध्यान से देखोगे तो इट इज गिवन 18 किलोमीटर पर आवर। हमारा काम क्या है, इसको कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। तो जब एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड पुट कर दो। तो 0 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इनटू या इनटू नहीं सॉरी प्लस या 2 इनटू माइनस 1 इनटू एस। यहां से एस कैलकुलेट करोगे 25, ये नीचे डिवाइड होगा, इट विल बी 12.5 मीटर। ठीक है ना। तो इस ये कुछ नया सवाल नहीं था, इसमें बस तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना था, एक्सेलरेशन पुट कर देना था, क्योंकि इस टाइप के सवाल तुमने पिछला वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे सॉल्व करे हैं। 1D मोशन में ये इक्वेशन बहुत बार यूज करा, ठीक है ना, जहां पे तुमको डायरेक्ट एक्सेलरेशन दे देता था। यहां पे भी दिया हुआ है बट इनडायरेक्टली दिया हुआ, ठीक है। चलो एक और सवाल करेंगे, लिखना। अ बॉल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल सबको समझ में आया ना, अभी तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोल लो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करेंगे। नहीं दिक्कत है। अ बॉल ऑफ मास 250 ग्राम, अ बॉल ऑफ मास 250 ग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड या 25, हाँ चलो कैंसिल आउट होगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी होगा थोड़ा, इसको 4 कर दो, 24 मीटर पर सेकेंड, नहीं तो फिर तुम कैलकुलेटर निकाल लोगे। अ बॉल ऑफ मास 250 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड इज हिट बाय अ बैट, इज हिट बाय अ बैट, hit by a bat so that it acquires a speed of 28 meter per second in opposite direction Then find force acting on the ball if contact time between ball and bat is 1 millisecond. सर मिली सेकंड मतलब 0.01 सेकंड, मिली सेकंड का मतलब होता है कभी भी मिली वर्ड दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है 10^-3। जैसे अगर के दिया हुआ तो के का मतलब होता है 10^-3, ठीक है। स्मॉल m दिया हुआ इसका मतलब होता है 10^-3। अगर माइक्रो दिया होगा म्यू इसका मतलब होता है -6। नैनो दिया होगा n तो इसका मतलब होता है 10^-4। पीको दिया होगा तो 10^-12। फोर्स होगा सर 10^2। 10^2 आ रहा है। चलो होगा कि नहीं ये तो पता चलेगा, लेकिन तुम्हारा आंसर नोट डाउन हो जा रहा है। 10^2 कितना बोले थे,
कितना बोला था एक बार और बोलना। 13,000 अच्छा, टू मतलब 100, एक का आया 13,000 सर, 13,000 न्यूटन, 13,000 न्यूटन। और कुछ, और किसी कुछ आया? दो बच्चों का एक आंसर आ रहा तो मे भी नीचे वाला करेक्ट हो सकता है, ऊपर वाला एक बार अपना चेक कर लो कि तुम्हारा 100 क्यों आ रहा है। तुमने शायद डायरेक्शन का ध्यान नहीं दिया है, दोनों गेंद का जो स्पीड है, अगर एक राइट की तरफ जा रहा है तो हिट करने के बाद वो लेफ्ट की तरफ जाने लगेगा, तो गेंद की मोमेंटम जो निकाल रहे हो ना उस पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो 13,000 ठीक है, वेरी गुड। जितने लोग भी 13,000 ला रहे हैं उनका करेक्ट है। हाँ सर, 13,000 न्यूटन। 13,000 हो गया, 13,000 पहले क्या कर दिया था। चलो देखते हैं। हाँ, मैंने अभी बोला। अच्छा अभी बोले हो। देखो ये बैट है तुम्हारा, गेंद इधर जा रहा था कितने से, 24 मीटर पर सेकंड से। बैट से टकराया, वापस आया कितने से, 28 मीटर पर सेकंड। तो अगर चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, डेल्टा पी अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो, तो डेल्टा पी कितना होगा? अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, या फिर इसको नेगेटिव ले रहे हो तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वहां पे स्पीड नहीं रखते हैं, वेलोसिटी रखते हैं, और वेलोसिटी जब रखेंगे तो डायरेक्शन का ध्यान देंगे। ठीक है, तो दिस इज 24 मीटर, क्या फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 28 माइनस माइनस ऑफ 24 होगा यहाँ पे। आ रही बात समझ में? यही पे गलती हो जाता है बच्चों से, क्योंकि किसी ने क्या करा होगा, 28 माइनस 24 कर दिया होगा, माइनस साइन को ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ सर, फिर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मास से भी मल्टीप्लाई करना है। योर मास इज हाउ मच, 250 कितना, 250 ग्राम है, यानी इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, 1000 से डिवाइड करोगे, अब देखो दिस विल बी हाउ मच, ये हो जाएगा तुम्हारा 52 इंटू 1/4, इट मीन्स 13, और इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। आया समझ में आ रहा है? ये 52 हो गया, ये 250 डिवाइडेड बाई 1000 है, तो ये कितना होगा, 1/4 होगा, ये 13 लिख सकते हो। अब तुम्हें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है ना, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, जो बॉल के मोमेंटम में चेंज आया, वो कितने देर में आया, वो आया 1 माइक्रोसेकेंड के कॉन्टेक्ट के चलते। ठीक है ना, क्योंकि ये एक तरीके का इम्पल्सिव फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है तुम्हारा, बैट जो हिट कर रहा है वो कैसा फोर्स लगा रहा है, इंपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो डेल्टा पी इज 13, टाइम कितने देर कांटेक्ट में कितने रह रहा है बॉल गेंद के, बैट गेंद की, ये बैट और गेंद में, वो रह रहा है 1 मिलीसेकंड, मतलब 10^-3। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 13 × 10^3 मींस 3300 न्यूटन। आ रही बात समझ में? यानी बैट और बॉल में कितने का फोर्स लग रहा है, बैट बॉल पे फोर्स लगा रहा है 13 kN के बराबर। आ गया समझ में या नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर, अब देखो इधर जो थ्योरी है ना, इस चैप्टर का जो थ्योरी है वो ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, अब इसमें खाली प्रॉब्लम होगा। जो चैप्टर है ना, इसमें थ्योरी बहुत कम होता है, 3 लॉज है, उन्हीं 3 लॉज को पढ़ना होता है। अब थ्योरी एक मतलब एक तरीके से खत्म ही हो गया, खाली सवाल चलेगा, क्वेश्चन ही होंगे, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, कुछ जो फिगर बेस्ड होंगे, या कुछ वर्ड बेस्ड होंगे, उस तरीके का प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, अभी हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ये एक तरीके से अब सिंपल वाला है, थोड़ा अभी कम्प्लेक्स इसको और कर सकते हैं। कम्प्लेक्स होता है जब बहुत सारे फोर्स लगे, बॉडी एक्सेलरेट करने लगती है, तो वहां पे हमें सेकंड लॉ का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, लेकिन अभी उस पे धीरे धीरे चलेंगे, तो परेशान नहीं होना कि सर बहुत इजी सवाल करवा रहे हैं, अभी आएगा। एक और सवाल लिखना, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, a body of mass 2 kg is moving along x direction with a velocity 2 meter per second with a velocity 2 meter per second
with the velocity 2 meter per second. Full stop. If a force of 4 Newton, if a force of 4 Newton is applied on the body, if a force of 4 Newton is applied on the body along y direction, if a force of 4 Newton is applied on the body along y direction for one second, then find magnitude of velocity. Yeah, then find magnitude of final velocity. Then find magnitude of final velocity. Then find magnitude of final velocity. सर रूट 8 मीटर पर सेकंड रूट 8 हाँ ठीक है रूट 8 को 2 रूट 2 कर सकते हो हाँ 2 रूट 2 बाकी लोग चलो 30 सेकंड का और टाइम दे रहा सर रूट 8 मीटर पर सेकंड ठीक है चलो सॉल्व करते हैं कह रहा एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से कोई भी पार्टिकल था जो किससे चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड से किधर चल रहा है एक्स एक्सिस की तरफ अब इस पे क्या करा हमने फोर्स लगाना शुरू करा बट दैट फोर्स इज इन वाई डायरेक्शन कितने का 4 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं किधर की तरफ वाई डायरेक्शन की तरफ आ रही बात समझ में अब जो वेलोसिटी चेंज होगा वो किस डायरेक्शन का चेंज होगा एक्स डायरेक्शन का या वाई डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी किधर का चेंज होगा वाई डायरेक्शन में चेंज होगा एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है दैट विल रिमेन कांस्टेंट ठीक है ना तो अब यहां से देखोगे इस 4 न्यूटन के चलते मीटर पर सेकंड रूट 8 हम ठीक है अब यहां से एक्सीलरेशन निकालोगे ना ए वाई इट विल बी एफ वाई डिवाइडेड बाई एम एफ वाई जो होगा उसमें मास से डिवाइड करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा इन वाई डायरेक्शन तो मास कितना था एक बार मास बताना कितना है 2 kg है 2 kg है ना तो 4/2 इट विल बी 2 मीटर पर सेकंड बट इन इंच वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन अब तुम इसके चलते वी वाई निकाल सकते हो हां स्क्वायर वी वाई जो होगा इट विल बी यू वाई प्लस 2 सॉरी स्क्वायर वाला टर्म या यही यूज कर लो यू वाई प्लस ए वाई टी ये यूज करेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी अब तुमको ये बताना है क्या कोई इनिशियल स्पीड था इनिशियल वेलोसिटी था वाई डायरेक्शन में नहीं सर कोई भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि बॉल इनिशियली कहां मूव कर रहा था एक्स डायरेक्शन में दिस इज योर यूएक्स ये तुम्हारा यूएक्स है तो वीवाई कैलकुलेट करोगे ये तो जीरो हो गया ए तो अभी जस्ट तुमने निकाला है टाइम दिया हुआ 1 सेकंड तो यहां 1 रख देंगे सो इट विल बी 2 मीटर पर सेकंड ठीक है
अब यहां से क्या आएगा, सो वी नेट जो होगा, वी नेट का मैग्नीट्यूड होगा एक्स स्क्वायर जो कंपोनेंट है यू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, प्लस डी वाई स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करोगे, सिंपलीफाई करोगे, आंसर आएगा रूट एट, जो कि सिंपलीफाई करके इट कैन बी रिटन एज 2√2 m/s। वो सर वेक्टर से भी तो आई कैप जे कैप से भी कर सकते हैं। हाँ वही तो करा है मैंने, वेक्टर से ही तो करा है। यहाँ ये यू एक्स लिख दो, अब इधर आई लगा दो तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना सीधे। ये यू एक्स क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन। ये वी वाई क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन। ठीक है ना, तुम ऐसे लिखते हैं कि सर वी वेक्टर जो है इट इज 2i + 2j, फिर वी नेट निकालते हैं रूट ओवर 8 ही आता, यानी 2√2। वही तो सेम चीज मैंने, ठीक है समझ में आ रहा है। तो कभी भी इस तरीके का सवाल हो तो पहले देख लेंगे कि फोर्स किधर लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी किधर है, किस कंपोनेंट में, हाँ किस कंपोनेंट में चेंज होगा। ठीक है ना, हाँ बोलो सर। अगर बोलो बोलो, अगर सर अगर ऐसे करे कि ap equal to 4j cap and u is equal to 2i cap, वैसे करे तो f is equal to 4j cap। हाँ तो वहां से तुम नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करोगे। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म में v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। तो अगर यहां से करते हो ना तो v वेक्टर विल कम एज 2i प्लस एक्सेलेरेशन जो है वो तुम्हारा कितना है 2j है इनटू 1 करोगे तो यहां से भी तुमको वही मिलेगा 2i + 2j। हाँ, वेक्टर फॉर्म में जो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता था वो पुट कर दिए, जो हमें एक्सेलेरेशन पता है वो पुट कर दिए, तो यहाँ से डायरेक्टली भी दिख जाता है, या उसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करके करो, सेम चीज है। हाँ बोलो, और कोई कुछ बोल रहा था सर। इसमें कोई कंडीशन होगा जिसमें बहुत सारे वेलोसिटी का, जैसे बहुत सारे वेलोसिटी का कारण में वो फोर्स लगने का उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा? बहुत सारा वेलोसिटी लगने के चलते, क्या बोल रहे हो? हाँ, बहुत सारा वेलोसिटी लगने का चलते फोर्स लग रहा है बट उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसको ही कंडीशन होगा? सारा वेलोसिटी, अरे पहले तो बहुत सारा वेलोसिटी का मतलब बताओ, बहुत सारा वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, ठीक है। हाँ मान लो मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया 1000 m/s। हाँ फिर क्या करना है, ये वेलोसिटी है उसके बाद सर स्मॉल फोर्स लगता है उसके बाद तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इससे कोई कंडीशन होगा क्या? स्मॉल फोर्स, अरे यार उससे डिपेंड नहीं करता फोर्स कितना बड़ा है या छोटा है, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि एक्सेलेरेशन कितना हो रहा है। अगर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट विल चेंज द वेलोसिटी। जैसे तुमने क्या करा, 1 N का फोर्स लगाया, F = 1 N, ठीक है। बॉडी कितना था, बॉडी का वेलोसिटी इतना था लेकिन बॉडी का जो मास है वो है 0.1 kg, ठीक है ना। तो यहाँ जो फोर्स आएगा, फोर्स कितना होगा, फोर्स बोलो कितना होगा, एक्सेलेरेशन जो होगा वो कितना होगा, एक्सेलेरेशन विल बी 10 m/s². तो जब वेलोसिटी निकालोगे v² = u² + 2 sorry v = u + 80 अगर यूज करोगे तो u तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है 1000, एक्सेलेरेशन तुमने कितना निकाला 10, अगर बोल रहा है 10 सेकंड बाद तो कितना हो जाएगा 110, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फोर्स इतना छोटा था, वो डिपेंड करेगा एक्सेलेरेशन कितना है, फोर्स कितना छोटा बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो फोर्स कितना का एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो। हां सर मैं बोल रहा हूं सर, उसका वेलोसिटी होगा फर्स्ट में इनिशियल वेलोसिटी होगा एक डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, इसमें कोई चेंज होगा क्या? वो वाई डायरेक्शन में जो बहुत बड़ा वेलोसिटी हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो फोर्स बहुत छोटा लग रहा है वाई डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन चेंज होगा? इसमें कोई कंडीशन है जो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा? अरे डायरेक्शन चेंज होगा बट यू कैन नेग्लेक्ट अगर बहुत छोटा है। जैसे अगर तुमने इधर बॉडी इधर चल रहा था 10,000 m/s से, तुमने फोर्स लगाया बहुत ही छोटा लगाया जिसके चलते इधर एक वेलोसिटी आया दैट इज 1 m/s, इधर 10 m, इधर 1000 और इधर तुमने एक फोर्स लगाया जिसके चलते जो वेलोसिटी इंट्रोड्यूस हो रहा है मान लो 1 m/s हो रहा है। तो जब नेट वेलोसिटी निकालोगे ना तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये 10,000 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर,
ये 1000 अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इफेक्ट नहीं दिखेगा, वो अगर फोर्स लग रहा है वो चेंज करेगा ही, फोर्स लगेगा, एक्सेलेरेशन आएगा, उस एक्सेलेरेशन के चलते वेलोसिटी चेंज होगा। अब वो कितने का चेंज हो रहा है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। क्या डायरेक्शन सर, डायरेक्शन वेलोसिटी का, डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन, अरे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना सिखाया तो tan थीटा इज इक्वल टू vy / vx। तो अब इसमें डिपेंड कर रहा है कौन vy और कौन vx है, तो जो चेंज होगा वो छोटा होगा। जैसे पार्टिकल अगर इधर चल रहा था, तुम फोर्स लगाओगे तो मे बी वो इधर जाने लग सकता है, धीरे 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 अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है सर। थोड़ेगी वो चेंज ही नहीं करेगा, करेगा धीरे धीरे स्लोली स्लोली चेंज करेगा। तो थीटा एंगल यहाँ से निकाल सकते हो। अब जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट अगर एक दूसरा कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा है तो उसके रेस्पेक्ट में एक कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो मे बी तुम ऐसा बोल सकते हो कि चेंज हो रहा है बट वो तुम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, वो नेग्लिजिबल है। फोर्स लगेगा पक्का, वो कुछ ना कुछ इफेक्ट लाएगा। अब वो इफेक्ट है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तुम उसको ऑब्जर्व कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, तुम्हारा जो भी डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग सोच लेना। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।